हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर तड़का। आज हम बनाएंगे छोले, जो छोले भटूरे होते हैं जो हम पूरी के साथ खाते हैं, तो आज हम बनाएंगे छोले। तो यहाँ मैंने काबुली चना लिया है, 1.5 कप काबुली चना, जो मैंने इसको ओवरनाइट सोक करके रखा था ओवरनाइट। तो कुकर में डाल दिया इस तरह से और इसमें नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रहे, हम जब इसके ग्रेवी बनाएंगे तब उसमें भी डालेंगे, तो थोड़ा नमक डालें और इसमें पानी डाल देंगे। अभी पानी डाल दिया इस तरह से, 2 कप से ज्यादा है पानी, इतना डाल दिया मैंने। अभी इसे हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। कुकर चढ़ा दिया इस तरह से, अभी 3 और 4 सीटी देंगे इसमें। जब तक हमारा काबुली चना कुक हो रहा है कुकर में, तब तक इसका मसाला बना लेते हैं हम। मसाला मैंने लिया है यहाँ पर 2 ग्रीन चिली लिया है, आप कम ज्यादा कर सकते हो, या लहसुन कली ली है 6-7, 1 इंच अदरक, थोड़ा धनिया, फ्राई किया हुआ सूखा खोबरा जो होता है मैंने लिया इस तरह से, इतना को मैंने फ्राई कर लिया है सूखा बिना तेल का, ऐसे ही फ्राई किया ड्राई। इसको हम सारे डाल देंगे मिक्सर जार में, थोड़ा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, और स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। इस तरह से कुछ हुआ है दोस्तों, इसे और पानी डालेंगे और स्मूथ पेस्ट करेंगे। इस तरह से हो गया है पेस्ट दोस्तों, इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से पेस्ट बन गया है हमारा। तो हमारे काबुली चना बॉईल हो गया है, सीटी हो गया है, 4 सीटी दिया है मैंने। अभी इसे ठंडा होने देंगे, कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे कुकर को, उसके बाद कुकर खोलेंगे। छोले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 ऑनियन, मीडियम साइज ऑनियन इस तरह से कटे हुए, इस तरह से 2 मीडियम साइज टमाटो छोटे छोटे साइज से कटे हुए, धनिया लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून, राय 1 टीस्पून, जीरा थोड़ा, कड़ी पत्ता या खड़े मसाले लिए 1 बे लीफ, यहाँ लिया है इलायची, लवंग, दालचीनी और ब्लैक पेपर, यहाँ लिया 1 चुटकी हींग, सूखा मसाला मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, यहाँ लिया है 1/2 टीस्पून मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, शक्कर 1 टीस्पून। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई लिया है, मैंने 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल दिया है, तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, गैस लो कर देंगे, आप चाहे तो और भी तेल ऐड कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि छोले में ज्यादा तेल रहता है, मैं इतना ही ले रही हूँ तेल, 4 टेबलस्पून ऑयल ही इतना काफी है। अभी मैं राय ऐड कर दूंगी इसमें, गैस लो रखा है, राय और जीरा, बेलीफ, सारे खड़े मसाले, थोड़ा इसे होने देंगे। अभी हम ऑनियन ऐड कर देंगे इसमें, गैस मीडियम कर देंगे, अभी कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे इसमें, हींग डाल देंगे जो लिया था हमने तेल में, डाल देंगे इस तरह से हींग को मीडियम गैस में, इसे चलाते जाना है। जब ऑनियन जब सॉफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम टमाटो ऐड कर देंगे इसमें। ऑनियन सॉफ्ट हो गए इस तरह से, जब इस तरह सॉफ्ट हो जाएगी ऑनियन, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तभी हम टमाटो ऐड कर देंगे इसमें इस तरह से, स्टर कर देंगे, थोड़ा नमक ऐड कर देंगे नमक। अभी गैस फुल कर दिए दोस्तों, फुल गैस पे इसे टमाटो को पकाना है, इसे फ्राई करना है टमाटो को, गैस तेज कर दीजिए। जो टमाटो अच्छी तरह मैशी हो गए, अच्छी तरह से गल गए हैं, मेल्ट हो गए अच्छी तरह से टमाटो, अभी गैस स्लो कर देंगे, सूखा मसाला डाल देंगे इसमें, कच्चे चला लेंगे, गैस मीडियम रखिए, जरा मसाले को फ्राई कर लीजिए सूखे मसाले को इस तरह से। इसे प्रेस कीजिए इस तरह से, इस तरह से फ्राई कीजिए अच्छी तरह से। मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, तेल छूटने लगा इस तरह से। अभी ये जो हमने मसाला बनाया था अदरक लहसुन का, धनिया और खोबरे का जो बनाया था पेस्ट, मिक्स कर लेंगे ऐसे अच्छी तरह से,
गैस मीडियम कर दीजिए वापस, इसे अच्छी तरह चला लीजिए। इसे भी अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। अभी जो मिक्सर जार में तो बचा हुआ था मसाला, उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने डाल दिया है इसमें, इस तरह से। थोड़ा धनिया ऐड करेंगे अभी, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा ऐड करेंगे। तो दोस्तों मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, तेल छूट गया है, देखिए गैस लो कर देंगे हम। यह हमारा जो काबुली चना है बॉइल्ड हो गया अच्छी तरह से, हम इस तरह से देखेंगे और सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह से बॉइल हो गया। पानी मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, जितना जरूरत है उतना यूज करेंगे हम। पहले काबुली जब बॉइल ऐड कर देते हैं इस तरह से, ऐड कर दिया है, इस तरह से थोड़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। गैस मीडियम पे रखिए दोस्तों, इस तरह से एक बार चला लीजिए। फिर पानी डाल देंगे, जो चना मसाले का जो पानी था बॉईल किया था वो रखा है मैंने, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। तो पानी ऐड कर देंगे जितना जरूरत है, जितना आपको थिक ग्रेवी चाहिए, पतला ग्रेवी चाहिए, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं जितना जरूरत है। जो बॉईल किया था वो पानी है इस तरह से। अभी इसे फुल गैस पे हमें 2-3 मिनट इसे पकाना है, इसके बाद हम स्लो करके इसे पकाएंगे। नमक ऐड कर देंगे, अभी बॉइल्ड हो गया है 2-3 मिनट इस तरह से। अभी हम गैस स्लो कर देंगे और इसे हमें 5 मिनट पकाना है लो फ्लेम में, इसे 5 मिनट करना है। बीच में हम स्टर करते रहेंगे, बीच में एक बार स्टर कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से स्टर कर लेंगे बीच में एक बार। एक बार और स्टर कर लेंगे, 5 मिनट के बीच में आपको 2 बार एक बार स्टर कर लेना है दोस्तों। मैं नीचे बैठ जाता है ना, इस वजह से गैस लो पे रखिए और 1 मिनट करेंगे। 1 मिनट हो गया है, इस तरह से कुछ हुआ है। ग्रेवी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको ज्यादा थिक पसंद है आप और ज्यादा इसे कुक कर सकते हैं। अभी इसे फुल गैस पे एक बार चला लेंगे 2-3 मिनट। धनिया ऐड कर देंगे इसमें, तो तैयार है हमारे छोले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। और ये जो तेज पत्ता है इसे हम निकाल लेंगे सारे, इसका काम हो चुका है तो हम निकाल लेते हैं सारे। प्लेटिंग करते हैं, अभी गैस बंद कर देते हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारा गर्मा गर्म छोले चना मसाला, जो होता है जो भटोरे के साथ खाते हैं, पूरी के साथ, गरम रोटी के साथ या गरम पूरी के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा होता है, स्पाइसी। आप जरूर बनाइए दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर बनाइए दोस्तों, जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।